हेलो नमस्ते दोस्तों, आज जिबे हेल्थ किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी चावल का चीला कैसे बनाया जा सकता है, वो भी बहुत ही अलग साइज और बहुत ही यूनिक तरीके से, उसकी विधि बताती हूँ। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी चावल का चीला बनाएंगे। तो दोस्तों चावल का चीला बनाने से पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो दोस्तों हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये चावल का चीला बनाने के लिए ये मैंने एक बाउल चावल लिया, आप देख सकते हैं बासमती चावल है, आप वैसे सिंपल चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चावलों को अच्छे से बारीक पीस लेंगे मिक्सी में, अगर आपके पास पिसे हुए चावल है वो भी यूज़ आ सकते हैं, बिल्कुल बारीक पीसना है इसको हम लोगों को। तो मैंने चावलों को बिल्कुल बारीक पीस लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पीसे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक है। तो आपको इसी तरीके से इसको पीसना है इसका पेस्ट बनाने के लिए। तो अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें डालेंगे। तो ये मैंने नमक लिया, नमक मैंने एक चम्मच लिया है, तो नमक डालेंगे हम लोग इसमें और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, मिक्स करेंगे हम लोग इसमें एक साथ हम लोग पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से नहीं बन पाएगा जितने हम लोगों को चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसको पानी को अच्छे से सोख लिया हम लोगों के चावल के आटे ने। अब थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें और इस पानी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग चावल के आटे में। और इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो इस डो को मैंने इस तरीके से कर लिया, बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इसमें एक भी लम्स नहीं, और कितना स्मूथली इसको मैंने किया है बिल्कुल। इसको हम लोगों को पतला भी रखना है और थोड़ा गाढ़ा भी रखना है, हम लोगों को बिल्कुल इसको पतला नहीं करना है। ये मैंने छाछ ली है दही को, दही में थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स करके छाछ बनती है तो वो ली है मैंने। अब इसको भी हम लोग डालेंगे, एक साथ नहीं डालना हम लोगों को, ये खट्टी वाली छाछ है जिससे जो हमारा हम लोग ये छाछ को इसलिए डाल रहे हैं जिससे जो भी हमारा ये हम लोग बना रहे हैं चीला वो बहुत ही अच्छा बने और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगे, इसलिए हम लोगों को इसमें छाछ डालनी है। तो ये हम लोगों की आधी छाछ मिक्स हो चुकी है, अब हम लोग जो हम लोगों का आधी बची हुई थी वो डालेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हम लोगों को। अब इसमें थोड़ा सा लम्स है तो हम लोगों को उसी को बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है जिससे इसमें एक भी लम्स नहीं रहे। जो इसका पेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, तो हम लोगों का पेस्ट तैयार हो चुका है। तो चीला बनाने के लिए मैंने पैन लिया है, आप लोहे का भी तवा यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो। अगर आप यूज़ करेंगे लोहे का तवा तो उसमें आपका थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगेगा और कुछ भी नहीं होगा, उसमें भी अच्छे से बन जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप बनाएंगे चीला तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। तो हम लोगों का पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। मैंने ब्रश की हेल्प से इसको ऑयल को ग्रीस किया है, हम लोगों को बिल्कुल कम ऑयल लगाना है इसमें। तो हम लोग इसमें पेस्ट डालेंगे हम लोगों का, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल हुआ है और कितना अच्छा दिख रहा है ये। हम लोगों को बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे कितना प्यारा दिख रहा है आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब इसको फर्स्ट लेयर से सेकेंगे, बहुत ही अच्छा दिख रहा है और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है ये, बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से होल्स भी हैं बीच बीच में, आप लोगों को अगर आपको लगे कि अच्छे से नहीं सीख पाएगा इसकी वजह से तो अब इसको आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये अच्छे से इसीलिए अच्छे से सीख पाएगा और इसका पूरा जो हम लोग सीखेंगे इसको पूरी तरीके से अच्छे से सीख जाएगा। तो हम लोगों को इसके जो इसके छेद हैं उसको इसी टाइप से रखना है और इसको हम लोग 2 मिनट के लिए इसकी नीचे वाली लेयर सेकेंगे। तो हम लोग अब इसको सेकेंगे, अगर आपको कैसे पता करना है कि ये सीख चुका है तो ये जो इसके कॉर्नर से वो अपने आप ही निकलने लग जाएंगे और आप इसको आराम से पलट सकते हैं, तब आप समझिए कि ये सीख जाएगा जब इसके कॉर्नर्स पूरी तरीके से अच्छे से निकलने लगेंगे।
तो अब हम लोग अभी इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा सिकना स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग एक बार देखते हैं पलट जाएगा या नहीं पलटेगा। तो आप देख सकते हैं पलट जाएगा आराम से, इस साइड से थोड़ा ये कम पलट रहा है। तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस साइड से भी सेकेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर भी नहीं आया अभी अच्छे से, और ये देख सकते हैं बिल्कुल इस टाइप से हो गया है, ये उखड़ने लगा है। इसका मतलब ये अच्छे बीच में से सीक चुका है, बस इधर इधर से नहीं सीखा इसलिए नहीं निकल रहा है। तो हम लोगों को इस साइड से भी सेकना है जिससे आराम से निकल जाए। तो इसको 2 मिनट हो चुके हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल उखड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग इसको पलट लेंगे। ये हाथों से ही आराम से पलट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने हाथों से कितना अच्छा लग रहा है, और इसको मैंने पलट लिया है हाथों से, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम लोगों को इसको नीचे की लेयर से भी सेकना है आराम से। हाथों से पलट जाएगा तो आपको कुछ और लेने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नीचे आप देख सकते हैं जो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी वीडियोस होंगी उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो अब हम लोगों का नीचे वाली लेयर भी सीख चुकी है, आप ये देख सकते हैं। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, अब हम दूसरा वाला भी डालेंगे चीला। और इस टाइम हम लोगों को गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अगर आपका गोल नहीं आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोगों का गोल शेप में आ जाएगा आराम से। तो आप देख सकते हैं ये भी अच्छे से हम लोगों को हमने डाल लिया है। तो अभी हम लोग इसको भी आराम इसको सेकेंगे हम लोग 2 मिनट के लिए। और इस टाइम मैंने बिल्कुल लो रखा है गैस का फ्लेम, अगर आप हाई रखेंगे तो जल जाएगा सिकेगा नहीं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम लोग इसको सेकेंगे 2 मिनट के लिए। तो मैंने इसको भी पलट दिया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है। तो हम लोग इसको अब दूसरी साइड से भी सेकेंगे आराम से। तो हम लोगों का दूसरी साइड से भी सीख चुका है, ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से सीख चुका है। तो हमारे सिंपल तरीके से चीले बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।